उत्तराखंड के हल्द्वानी में 22 सितंबर को 121वां नंदा देवी महोत्सव मनाया जाएगा। मां नंदा सुनंदा की मूर्ति निर्माण के लिए इस बार हल्द्वानी से कदली वृक्ष ले जाया गया है। आयोजन समिति के सदस्य रामसेवक चंद्रावती कॉलोनी पीली कोठी पहुंचे और को विदा किया है। बता दें कि मां नंदा सुनंदा की मूर्ति निर्माण के लिए हल्द्वानी में मौजूद वृक्ष को ही सबसे अच्छा माना गया है। हल्द्वानी से दीपक अधिकारी की रिपोर्ट। सौभाग्य की बात है हमारे क्या मतलब पीली कोठी पूरे हल्द्वानी के लिए सौभाग्य की बात है। इतने सालों बाद हमें ये सौभाग्य मिला है यहाँ पर, तो हम तो धन्य है और माता नंदा सुनंदा का आशीर्वाद हर समय हमें ऐसे ही मिलता रहे, यही हमारी अभिलाषा है। माता रानी की जय। सौभाग्य हमको मिला है हल्द्वानी में, ये पहली बार लोहनी जी की वजह से मेरे वार्ड में आज सभी वार्ड वालों को, पहले सभी वार्ड वालों को, हल्द्वानी वालों को इसके लिए बधाई देता हूँ कि इस वार्ड को चुना गया। और लोहनी परिवार की तरफ से, नैनीताल की तरफ से हम आप सब लोगों का हार्दिक स्वागत करते हैं। कल हमारा उद्घाटन हुआ श्री राम सेवक सभा में, जिसमें कमिश्नर कुमाऊ दीपक रावत जी, SSP साहब और हमारे विधायक साहिबान, DIG साहब, ये सब लोग वहाँ पर उपस्थित थे, जिसमें भव्य रूप से इस नंदा देवी महोत्सव का उद्घाटन हुआ। उसके उपरांत हम लोग यहाँ से निकल के केले का पेड़ लेने पीली कोठी हल्द्वानी में आज पहली बार पहुंचे हैं। हमारे 121 साल के इतिहास में नैनीताल के श्री राम सेवक सभा परिवार के इतिहास में आज पहली बार हल्द्वानी की तरफ को हम लोग